व हत्या मामले में दोषी मुकेश की दया याचिका को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खारिज कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति ने दोषी मुकेश की फांसी की सजा को बरकरार रखने की सिफारिश की। गृह मंत्रालय ने यह याचिका राष्ट्रपति को भेजी थी। गौरतलब है कि विनय की क्यूरेटिव पिटीशन पहले ही खारिज हो चुकी है। हालांकि विनय के पास अभी भी मर्सी पिटीशन का रास्ता बचा हुआ है। विनय ने अभी तक मर्सी पिटीशन दाखिल नहीं की। इस मामले में अन्य दो दोषियों अक्षय और पवन ने अब तक न तो क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की है और न ही मर्सी पिटीशन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की दया याचिका खारिज करने की खबर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा और अरपिंद सिंह ने दोषियों को जल्द सजा दिए जाने की मांग की। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार आरपीएन सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अब दोषियों को सजा देने में देर नहीं की जानी चाहिए। वहीं रेखा शर्मा ने ट्वीट करके कहा है कि निर्भया के दोषियों के काउंसलर और उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे लोग कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं। वे जेल मैनुअल और कानून के लूप होल्स का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि आज ही गृह मंत्रालय ने मुकेश की दया याचिका सजा बरकरार रखने की नोटिस के साथ राष्ट्रपति भवन भेजी थी। दूसरी तरफ सजाया अवतार दोषियों की ओर से 22 जनवरी के लिए जारी डेथ वारंट पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर कोर्ट में सुनवाई होनी है। कि जिस चीज के लिए मैं 7 साल से संघर्ष कर रही हूँ, इस सरकार के पास, उस सरकार के पास, उस पुलिस कमिश्नर के पास, वहां मैं भागती रही, आज जब कोर्ट ने उनका डेट ऑरेंट जारी कर दिया तो वहां पे जाके सरकारी वकील ने उसको कह रहे हैं कि नहीं, फांसी नहीं हो सकती। तो ये साफ तौर पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जिस सुनवाई पे कोर्ट खारिज कर रही है, अब उन्होंने वहाँ खुद मुजरिमों का सपोर्ट कर दिया कि नहीं, फांसी नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं ये साफ दिख रहा है कि आप मुजरिमों का सपोर्ट कर दिए, जो उनके वकील चाहते थे कोर्ट ने खारिज किया, आपने उनको सपोर्ट कर दिया। तो मैं भी यही कहना चाहती हूँ, आज मैं सुन रही हूँ कि नहीं, वहाँ पे सारे रेप विक्टिम आए हैं, मैं आती लेकिन मेरे को कोर्ट से नोटिस है कि मैं वहाँ आना है। तबीयत का तो छोड़िए, मैं आती, मैं उनका सपोर्ट करती हूँ कि आगे भी मैं लड़ूंगी। मैं सरकार से, राष्ट्रपति जी से यही अपील करती हूँ कि जो उसकी मर्जी है खारिज करें और 22 तारीख को हो उनको फांसी हो।